साथियों नमस्कार। शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड की दस्तावेज अद्यतन किया जाना है। यह कार्य आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन में ही कर सकते हैं। आपको किसी सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस कार्य को करने के लिए अभी आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि यह कार्य 14 सितंबर तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 14 सितंबर के बाद आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। यह सभी नागरिकों के लिए है, सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, इस कार्य को आप जल्द से जल्द अपने मोबाइल फ़ोन में ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अन्य नागरिकों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह सभी के लिए है और सभी इसका लाभ ज़रूर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, फिर सर्च बार पर आपको टाइप करना है आधार कार्ड अपडेट या फिर myaadhar.gov.in। फिर फर्स्ट पेज आएगा, उसमें अपडेट योर आधार लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों, जाने से पहले आपको अपने मोबाइल का जो डेस्कटॉप साइट है उसे इनेबल कर लेना है। उसके लिए आपको टॉप राइट में देखिए 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर डेस्कटॉप साइट है उसे इनेबल कर देना है। फिर दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट, उस पर जाना है। यहाँ जाने के बाद देखिए आ गया वेलकम टू माय आधार। यहाँ पर थंब का निशान भी दिख रहा है, उसके नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको इंटर आधार, दोस्तों इंटर आधार लिखा है, वहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है सेंड ओटीपी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड है उससे लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर का रहना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि उस मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तो उस मोबाइल को आपके पास ही रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना आधार नंबर फिलअप कर देता हूँ। आधार नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों, इस कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ, MRF6G। तो इस कैप्चा कोड को भी फिलअप कर देते हैं। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों, हमारे जो मोबाइल है उस पर मैसेज आएगा, ये देखिए आ गया 525457। तो उस ओटीपी को यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए दोस्तों आ गया फर्स्ट ऑप्शन, देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट, उसके नीचे शो हो रहा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। तो दोस्तों, यह सेवा 14 सितंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट पर पुनः क्लिक करना है। इसको आप रीड कर लेंगे दोस्तों, आप अगर इसे हिंदी करना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए, वहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं। तो पुनः आपको नेक्स्ट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों, प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए, मुझसे संबंधित डिटेल है, नाम है, लिंग है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। फिर यहाँ से आपको इस टिक मार्क को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें पुनः नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइडलाइन दिया है दोस्तों, देख लीजिए, हमें यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वह डॉक्यूमेंट 2 MB से ज़्यादा का ना रहे और उसका जो साइज़ है वह PDF, PNG और JPEG का होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 MB से ज़्यादा का ना हो और उसका जो फॉर्मेट है वह JPEG, PNG और PDF का हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वह है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपको इस पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो ये रहा CGHS, और ये डिसेबिलिटी ID है, उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस, जेंडर एक्सेप्शन, फिर है गवर्नमेंट ID कार्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, इंडियन पासपोर्ट, किसान, और यहाँ पर मार्कशीट भी है, ये आइडेंटिटी के लिए है दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप बारी बारी से देख सकते हैं। पैन कार्ड है, ये पेंशनर फोटो कार्ड है, और राशन कार्ड का भी ऑप्शन है यहाँ पर, और SC ST OBC जो सर्टिफिकेट है वह भी है,
फिर है यहाँ पर स्किल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC भी है और सेल्फ डिक्लेरेशन भी है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको लास्ट में वोटर आईडी भी मिलेगा, ये देखिए वोटर आईडी भी है। और इसमें का कुछ कुछ ऑप्शन आपको एड्रेस प्रूफ में भी मिलेगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पर है, ये देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वह भी दिखेंगे। ये देखिए बैंक अकाउंट का संबंधित है, क्रेडिट कार्ड भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन बिल, गवर्नमेंट आईडी भी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इसमें से जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं आइडेंटिटी के लिए अलग चूज कर लेंगे और एड्रेस प्रूफ के लिए अलग। दोनों का जो साइज है वह 2 MB का आप बना लेंगे। उसको बनाने का वीडियो मैंने पूर्व में बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप उसकी सहायता से बड़ी आसानी से 2 MB तक बना लेंगे। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आप पहले इकट्ठा करके रख लेंगे, अर्थात 2 MB का बनाकर रख लेंगे। अब मैं आपको अपलोड कैसे करना है उसको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन में चले जाते हैं हम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं चयन कर लेता हूँ पैन कार्ड। तो सबसे पहले हम पैन कार्ड में चले जाते हैं, ये रहा पैन कार्ड। मैं यहाँ से पैन कार्ड अपलोड करने के लिए क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये नाम आ गया। अब यहाँ से दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं अपलोड वाले ऑप्शन जो दिख रहा है व्यू डिटेल्स, यहाँ पर जाने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर फाइल से हम उस PDF को यहाँ पर ले आएंगे। तो मैं जिस फाइल में है उसको यहाँ से ले आता हूँ, ये रहा मेरा पैन कार्ड। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करके वहाँ पर ले जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यह आ गया है, 100% ग्रीन कलर में दिख रहा है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा आता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैं अपना वोटर आईडी जो है उसका PDF बना के रखा हुआ है, ये देखिए आ गया। यहाँ से वोटर आईडी और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये रहा डॉक्यूमेंट, यहाँ से भी कंटिन्यू कर देते हैं। फिर फाइल में जाकर जो वोटर आईडी का PDF है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब ये भी आ गया, देख लीजिए ग्रीन कलर और बगल में डिलीट करने के लिए क्लियर का। तो दोस्तों ये इतना करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स जो टिक मार्क है उस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म तो कर लिया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन है वह भी प्रोसेस हो गया दोस्तों, यह भी अब कंप्लीट होने वाला है। आधार जो है ब्लिंक हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर ये देखिए हो गया वह भी अपलोड। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों हमें अगले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें सबमिट कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर आ गया ग्रीन टिक, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, और यहाँ पर पेमेंट वगैरह तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 0 लिखा हुआ है। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे, ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों आपका जो आधार अपडेशन का कार्य यहीं तक का है, इतना ही आपको कार्य करना है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।